गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बेटा स्क्रीन एलिमेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आज बेटा हम जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के मैंने आपको कल स्क्रीन के एलिमेंट्स के नाम बताए थे, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला है बेटा टाइटल बार, इट अपीयर ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन, ये बेटा सबसे टॉप में दिखाई देता है हमें स्क्रीन के ऊपर। टाइटल बार डिस्प्ले द नेम ऑफ द करंट वर्कबुक, इसके ऊपर हमें क्या अपीयर होता है बेटा, जिस भी वर्कबुक के हम ऊपर हम काम करते हैं उसका नेम अपीयर होता है। जैसे यहाँ पे बुक वन शो किया हुआ है तो इस वर्क बुक का नाम क्या हो जाता है, बुक वन होता है। इट ऑल्सो कंटेन मिनिमाइज मैक्सिमाइज एज क्लोज बटन, इसके ऊपर तीन बटन होते हैं बेटा, मिनिमाइज मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। उसके बाद बेटा इसके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ टूल्स होते हैं जिन्हें क्या बोल देते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। इट इज़ प्रेजेंट ऑन द टाइटल बार, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, टाइटल बार के ऊपर प्रेजेंट होता है। इट हेल्प अस टू डू कॉमन टास्क विद जस्ट वन क्लिक, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं बेटा, कुछ कॉमन टास्क कर सकते हैं एक ही क्लिक में, जैसे कि अंडू कर सकते हैं, रीडू कर सकते हैं, ठीक है। इस ये सब फंक्शंस इसके ऊपर होते हैं। उसके बाद बेटा फाइल टैब, इट इज़ द ग्रीन टैब लोकेटेड एट द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 स्क्रीन। इसने क्या बोला बेटा, हमारे जैसे हमने पावर पॉइंट के अंदर पढ़ा था, वर्ड के अंदर पढ़ा था, वर्ड के अंदर फाइल टैब ब्लू कलर का होता था उसे ब्लू टैब बोलते थे, सेम एज इट इज़ एक्सेल के अंदर बेटा आपका फाइल टैब ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, इसे हम ग्रीन टैब भी बोलते हैं। ये कहाँ पे लोकेटेड होता है बेटा, ये अपर लेफ्ट कॉर्नर में होता है, आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लेफ्ट कॉर्नर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। व्हेन यू क्लिक ऑन द फाइल टैब, जब भी आप फाइल टैब के ऊपर क्लिक करते हो तो जो आपको क्या अपीयर होता है, एक बैक स्टेज व्यू अपीयर होता है। बैक स्टेज व्यू क्या होता है बेटा, व्यू शोज द सेट ऑफ कमांड्स, जो बैक स्टेज व्यू होते हैं उसके ऊपर हमें सेट ऑफ कमांड्स होते हैं जो किसे मैनेज करते हैं बेटा, हमारी वर्कशीट को मैनेज करते हैं, जैसे कि क्रिएट करना हो गया, सेव करना हो गया, ओपन करना हो गया, प्रिंट करना हो गया, ये सारे ऑप्शंस किसके पे प्रेजेंट होते हैं, बैक स्टेज व्यू के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है बेटा रिबन, रिबन कंटेन टू पार्ट्स, रिबन के दो पार्ट होते हैं बेटा, पहला है टैब और दूसरा है ग्रुप, इन दोनों के कम्बिनेशन से ही हमारा क्या बनता है बेटा, रिबन बनता है। ईच टैब कंटेन कमांड्स अरेंज्ड इन डिफरेंट ग्रुप, हर टैब के अंदर बेटा अलग अलग कमांड्स होती हैं जो किस में अरेंज होती हैं, ग्रुप्स के अंदर अरेंज होती हैं। उसके बाद बेटा फार्मूला बार, फार्मूला बार इज़ मेड अप ऑफ टू पार्ट, फार्मूला बार के दो पार्ट होते हैं बेटा, एक होता है आपका नेम बॉक्स और दूसरा होता है फार्मूला बॉक्स। एफएक्स से पहले वाला तो आपका नेम बॉक्स होता है और एफएक्स के बेटा बाद वाला क्या होता है, आपका फार्मूला बॉक्स होता है। उसके बाद बेटा शीट टैब है, द नेम ऑफ द वर्कशीट अपीयर ऑन द शीट टैब, जिस भी वर्कशीट के ऊपर आप काम करते हो उसका नाम आपको कहाँ पे अपीयर होता है, शीट टैब के ऊपर आपको अपीयर होता है। द एक्टिव शीट नेम इज़ डिस्प्लेड इन बोल्ड लेटर, जिस भी स्लाइड के ऊपर आप काम कर रहे होते हो उस स्लाइड का नाम बेटा आपको बोल्ड लेटर्स में अपीयर होता है, यानी कि उसकी जो थिकनेस होती है वो बाकी जो आपके नेम है उनसे ज़्यादा होती है। यू कैन मूव फ्रॉम वन शीट टू अनदर बाई क्लिकिंग ऑन दिस टैब, अगर आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मूव करना है तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, शीट टैब के ऊपर क्लिक करके भी नेक्स्ट शीट के ऊपर, वर्कशीट के ऊपर मूव कर सकते हो। उसके बाद बेटा स्टेटस बार, इट डिस्प्ले करंट स्टेटस ऑफ द सेल एंड जूम ऑप्शन, इसके ऊपर क्या होता है बेटा, आपका जो जिस भी स्लाइड के ऊपर काम करते हो उसका करंट स्टेटस शो होता है कि कितने सेल्स फिल हुए हैं, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। और इसके अंदर एक जूम ऑप्शन होता है जो क्या करता है, आपकी शीट के साइज़ को इनक्रीज करके आपको शो कर सकता है, ठीक है। उसके बाद बेटा आपकी वर्कशीट होती है जिसके ऊपर सारी आपकी वर्किंग होती है, एन एक्सेल वर्कशीट इज़ कॉल्ड वर्कबुक, ये जो एक्सेल की वर्कशीट होती है इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, वर्कबुक बोलते हैं। द ब्लैंक वर्कशीट इज़ अ पार्ट ऑफ वर्कबुक, जो बिल्कुल ब्लैंक वर्कशीट होती है वो किसका पार्ट है, आपकी वर्कबुक का पार्ट है। ईच वर्कबुक कंटेन सेवरल वर्कशीट, द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ वर्कशीट आर बुक वन, बुक टू एंड सो ऑन, बेटा जो हर वर्कबुक होती है उसके अंदर बेटा आपकी एक से ज़्यादा क्या होती है, वर्कशीट होती है, और जो उन वर्कशीट के डिफ़ॉल्ट नेम है वो क्या होते हैं, आपका बुक वन, बुक टू, इस तरीके से क्या होते हैं, अप टू एन तक होते हैं, ठीक है। एंड द वर्कशीट नेम इज, और जो वर्कशीट का नाम होता है वो होता है बेटा शीट वन, शीट टू, शीट थ्री, इस तरीके से। कल जो मैं आपको डिस्कस कराऊंगी वो है बेटा पार्ट्स ऑफ वर्कशीट, कि वर्कशीट के अंदर भी बेटा क्या होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे और मैं आपको जो आपकी कंप्यूटर के ऊपर हर पार्ट्स की इंफॉर्मेशन भी दूंगी। ओके, थैंक यू।